पुलिस की SIU ने PAK से संचालित होने वाले आतंकवादियों के घरों पर छापेमारी जारी रखी है। किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई SIU ने आज फिर से PAK से सक्रिय आतंकवादियों के घर किश्तवाड़ जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की। विवरण देते हुए SSP किश्तवाड़ श्री खलील पोसवाल JKPS ने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस के CIO GYSP विशाल कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ में UAPA अधिनियम के तहत दर्ज FIR नंबर 272/2022 मामले में NIA कोर्ट जम्मू से घर की तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद इस बीच मजिस्ट्रेट सहित SDPO के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और टीम द्वारा उचित SOP का पालन किया गया और आतंकवादियों के घरों अर्थात एक में छापेमारी की गई। मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इंगलाबी पुत्र गुलाम अली नायक निवासी द्वाथर सिंहपुरा, नजीर अहमद उर्फ शाहीन पुत्र मोहम्मद अकबर शेख निवासी बेगपुरा सिंहपुरा चटरू, शबीर अहमद उर्फ जुनेद पुत्र घी मोहम्मद इकबाल ऋषि उर्फ मुजामिल अंसारी पुत्र अब रशीद निवासी डेला चेटरू, मोहम्मद अमीन भट्ट पुत्र घा कादीर भट्ट निवासी नारायण चिंजाम, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल पुत्र मोहम्मद अकबर व निवासी किचलू मार्केट के पास किश्तवाड़ AP उमर मोहल्ला किश्तवाड़ जो वर्तमान में PAK से काम कर रहे हैं, उनके संबंधित घरों आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एकत्रित किए गए सबूतों की जांच की जाएगी ताकि आरोपी व्यक्तियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवाद को कायम रखने के लिए न्यायिक निर्णय के अधीन किया जा सके। SSP किश्तवाड़ श्री पोशवाल JKPS ने आगे खुलासा किया कि आतंकवादियों के उन सभी समर्थकों सहयोगियों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा जिनकी संलिप्तता जांच के दौरान सामने आती है। SSP किश्तवाड़ ने कहा कि तलाशी के उद्देश्य विभिन्न जमीनी कार्यकर्ताओं और आतंकवाद के समर्थकों की पहचान करके जिले में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। आपको पता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के 36 टेररिस्ट जो पाकिस्तान और PUK डिफरेंट जगहों पर सेटल होने के बाद वहां से ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजिंग द यूथ एंड इन्वॉल्विंग देम इन मिलिटेंसी। तो हमारे यहां 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर और उसमें हमने NIA कोर्ट से सर्च वारंट्स लेके सीरीज ऑफ रेड्स एंड सर्चेज पहले से चल रही हैं और कल भी और आज भी हमारे पास अभी 6 लोकेशंस को कवर किया है और 6 टीम्स डिफरेंट जगहों पे SIU की जो है वो सर्चेज कर रही हैं और सर्चेज आफ्टरनून में ही कल्मिनेट होंगी। अभी तक जो एविडेंसेज उनको मिले हैं वो ऑन रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको सील करके एज एविडेंस इन द केस रखा जा रहा है। और जो जिनके घरों में सर्चेज हो रही हैं वो है मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इनकलाबी सिंहपुरा छात्रों के हैं, नज़ीर अहमद उर्फ शाहीन ये भी सिंहपुरा छात्रों के हैं, शबीर अहमद उर्फ जुनेद ये सेवा छात्रों के हैं, मोहम्मद इकबाल उर्फ मुजम्मिल अंसारी ये डेलर छात्रों के, मोहम्मद आमीन भट्ट रेजिडेंट ऑफ नारायण चिंगम, मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल ये किश्तवाड़ टाउन के हैं। और इस तरह अभी तक 22 टेररिस्ट के घरों में सर्चेज की गई हैं, बाकी के जो है वो हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कंप्लीट करेंगे और जो भी एविडेंसेज आएंगे उसको केस का पार्ट बना के मोर से जो लोग इन इस मैटर में उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं और उनके एविडेंसेज ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। सर क्या कुछ अभी तक जो है जिन स्मार्टफोन्स के थ्रू वो कम्युनिकेशन में हैं टेररिस्ट अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वो सीज किए गए हैं और सील भी किए गए हैं, वो हम FSL भेजेंगे और साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर्स को हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि किस मैकेनिज्म से उनसे बातचीत चल रही है, वो जितने भी कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के यहाँ इन लोगों के मोबाइल फोन में हैं वो भी हम एस्टैब्लिश करके तो वी विल इंश्योर कि टू एस्टैब्लिश कि UAPA एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस बनते हैं उनके खिलाफ सब्स्टिट्यूट किए जाए। क्या सर इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई है एंड आने वाले वक्त में जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर।